इतने माइक, इतने सवाल तो नहीं ना? सवाल दो ही, छोटा बच्चा भी दो ही सवाल? नहीं भाई, आपके बच्चे बड़े हो गए, मेरा छोटा है ना सर। yes. शूट करके मैंने घर भी जाना है। हाँ जी, बड़ा गोला आ गया। मैं सच्ची बताऊं, मैं जब आ रही थी ना, और मैंने गेट में, मैं जैसी गाड़ी मेरी एंट्री देखी, और मैंने इतने सारे पंजाबी, इतने सारे सरदार देखे, मुझे ऐसे लगा मैं अमृतसर आ गई हूँ। और इतना अच्छा फील हुआ ना, और मतलब पंजाबियों की हाइट तो आपको पता, किसी से छुपाने से छुपती नहीं, मतलब इतनी अच्छी हाइट और इतने सारे पंजाबी, मुझे सच्ची इस तरह मेरी पंजाबी निकली जान दी है। निकल जाए ना फिर? हाँ, निकल मुझे जाए, निकल मैं ऐदा दा लगता है कि मैं पंजाब से हाँ। बस मुझे पता आप, इनको समझ नहीं आ रहा ऐसे देख रहे हैं, बट मैं दिल से बोल रही हूँ कि मैनू इन्ना वधिया लगता पिया ना। हाँ, थोड़ा बिजी सी, इस करके फटाफट आए, फटाफट जाना है, बट कहते ना कि जो मौका मिले पंजाबी इकट्ठे हो तो हो जाना चाहिए। बिल्कुल पूरा रहता है जी, विसाखी का तो पूरे देश को रहता है, क्योंकि फसलें कटती हैं तभी तो खाना मिलेगा सबको। और आज मैं आ रही हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी पता नहीं अवार्ड अभी मिले मिला नहीं है, ख़त्म ना हो गए हो? नहीं नहीं देखिए, हमें बड़ा मान है, बड़ा नाज है भारती जी पे, कि इन्होंने एक छोटी सी जगह से, छोटे परिवार से शुरू होकर के, और अपना भी कीर्तिमान हासिल किया, और पंजाबी कम्युनिटी इज़ रियली प्राउड ऑफ हर फॉर हर अचीवमेंट। और जिस तरह से इन्होंने पंजाबियत का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, तो हम तो ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमारी बहन इसी तरह से छाई रहे। यस, दैट्स ऑल। और मुझे बड़ा प्राउड होता है, और मैं बड़े मान के साथ बोल सकती हूँ कि मैं अमृतसर से हूँ, जहाँ पे गुरु की नगरी कहा जाता है जिस शहर को, जहाँ हरिमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल है। मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था, और मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ, तो मैं बड़ी लकी और ब्लेस्ड फील करती हूँ। आप देख लीजिए, कोई भी पंजाब से पंजाबी आया है, बॉम्बे में आके कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि पंजाबी इतने मेहनती और खुश दिल होते हैं ना, कि मतलब आलू की तरह होते हैं, हर किसी में रच जाते हैं, आलू मटर, आलू पनीर, हर किसी में, तो आलू जैसे ही हूँ। चलो जी, थैंक यू। हाँ, बस आपका जब बेबी होगा तब आप भी पता चल जाएगा। बट अच्छी बात है ना यार, गोला तो अभी जो हाल कर रहा है ना, उसके पीछे के दांत आ रहे हैं, अभी ये चीज़ पकड़ो तो उधर, मतलब अभी बंदर जैसा हाल हो गया, ऐसे 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 मेरी गर्दन ही ऐसे घूमती रहती है। बट इसीलिए मैं थोड़ा शूट कम करती हूँ, डांस दीवाना ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये टाइम बच्चे के साथ रहना है। मतलब ये ना हो गया, जब नैनी जाए घर अपने, तो वो बच्चे की यादें वो बताए, मैं क्या बताऊँगी? तो मैं बताने के लिए, इसीलिए आप देखते, डेली व्लॉग आप देखते ही हैं कैसा होता है। मेरे साथ, हाय मेरे दिल को दुखा नहीं नहीं, मेरे साथ रहता है अभी भी, मैं रास्ते में भी लोगों के बच्चे देखती आती हूँ। आज जब आपका बच्चा हो जाता है ना, तो आप लगता है कोई रोया तो अपना बच्चा रोया। मैं नहाती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि रो रहा है, मैं नल बंद करके सुनती रहती, मेरे को ऐसा लगता है मैं पागल तो नहीं होगी। बट मैं जिससे भी बोलती हूँ कहते नहीं नहीं, हर माँ का यही हाल होता है, तो मैं पागल नहीं हुई, मैं ठीक हूँ। टिप्स यही देंगे कि बस शादी के बाद बेबी कर लीजिए, अगर आप मोटे हैं तो आप पतले हो जाएंगे, और फिट रहिए, क्योंकि कोविड के बाद से मैं फ़िट हुई हूँ। आपको लगा नहीं, 2 साल लगे भाई, क्योंकि जब सेकंड वेव आई थी और सांस वांस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो तब मैंने कहा कि नहीं भाई, सांस नहीं अभी जानी चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा खाने पे कंट्रोल किया है। गोले का गोली, हाँ दीपनिता, हाँ जी, हाँ जी, कल डांस दीवाने का ही शूट है, इसलिए मैं खड़ी हो गई हूँ। आप तो रात भर सवाल पूछते रहोगे। थैंक यू, थैंक यू।